हेलो एवरीवन आज हम सिक्स क्लास की वर्कशीट उड़ान की वर्कशीट है ये वर्कशीट ट्वेल्व को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं वर्कशीट ट्वेल्व राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ हमें कुछ लिखना है क्या लिखना है यहाँ दिया है राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैगी और टी ये मैगी है ये टी है इसने कहा है या तो मैगी कैसे बनती है ये प्रोसेस बता दें या फिर टी कैसे बनाई जाती है यानी चाय कैसे बनाई जाती है ये प्रोसेस बता दें तो आपको एक प्रोसेस लिखनी है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैगी ठीक है हमें लिखना है यहाँ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैगी मैगी बनाने की प्रोसेस मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैगी कैसे बनाते हैं तो इसके लिए क्या है फर्स्ट पॉइंट है टेक वन एंड हाफ कप ऑफ वाटर इन अ पैन एक पैन में डेढ़ कप पानी ले लें सेकंड में है हीट द पैन ऑन मीडियम फ्लेम मीडियम फ्लेम फ्लेम पर पैन को गरम करें वेन द वॉटर कम्स टू बॉयल जब पानी उबलने लगे एड द नूडल्स टू द पैन पैन में नूडल एड कर दें कवर इट विद अ लेड फॉर अ मिनट एक मिनट के लिए लीड के साथ इसे ढक दें यानी इस पर ढक्कन से इसे कवर कर दें आफ्टर अ मिनट एक मिनट के बाद अनकवर्ड द लीड लीड को अनकवर कर दें यानी लीड को हटा दें एंड ऐड द टेस्ट मेकर टू दैन और पैन के अंदर टेस्ट मेकर ऐड कर दें टेस्ट मेकर दे। का मतलब है बच्चों यहाँ पर जो उसके साथ मसाला आता है मसाले का पाउच आता है वो ऐड करना है आपको मिक्स इट वेल विदाउट ब्रेकिंग द नूडल्स और इसे अच्छे से मिक्स कर दें बिना नूडल्स तोड़े यानी कि नूडल्स कोशिश करें कि नूडल्स टूटने नहीं चाहिए नूडल बिना नूडल तोड़े ही इसे अच्छे से मिक्स कर दे इसके अंदर टेस्ट मेकर को आगे है स्विच ऑफ द फ्लेम वैन ऑल द वॉटर बॉइल्स और एब्जॉर्ब यानी कि फ्लेम को बंद कर दें जब सारा पानी बॉइल्स हो जाए उबल जाए या एब्जॉर्ब हो जाए एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना सूखना यानी कि जब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए मैगी के द्वारा जो है वो सोख लिया जाए तब फ्लेम स्विच ऑफ कर दें मैगी इज रेडी टू सर्व मैगी सर्व करने के लिए रेडी है तो ये प्रोसेस जो है वो है मैगी की आगे चाय की प्रोसेस भी इस तरह से ही आप जैसे चाय बनती हैं वो प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाय कैसे बनती हैं ये लिखना है तो प्रोसेस आप वो भी लिख सकते हैं तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही क्योंकि ये आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है आगे फिर मैं आऊँगी नई वीडियो लेकर आऊँगी तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय